गोविंदगढ़ कस्बे के जालू की मार्ग पर एनसीआर डेवलपमेंट के तहत चल रहे सड़क निर्माण पर घटिया क्वालिटी और अनुबंध के आधार पर सड़क नहीं बनाए जाने से स्थानीय लोगों में रोष बना हुआ है। अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। करोड़ों की लागत से अलवर एनसीआर में चल रहे सड़कों के निर्माण में अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग भी नहीं की जा रही, जिसके चलते ठेकेदार अपनी मर्जी से जहां सड़क 6 mm बनानी थी वहां 4 mm और 2 mm तक बनाई जा रही है और डामर में भी काले तेल का उपयोग किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद अधिकारी टालमटोल रवैये में नजर आए। गोविंदगढ़ से शिमला कोड इसके 9.55 करोड़ की संख्या, लोहरदगा गंडोरा लक्ष्मीगढ़ की 17.54 करोड़, रामगढ़ गोविंदगढ़ सीकरी रोड की 21.56 करोड़ की और लक्ष्मीगढ़ जालो की गोविंदगढ़ की 16.8 करोड़। सर एक जो अपने रोड बनेंगी उनकी जो साइड में पट्टियाँ हैं कच्ची रहेंगी, उन पर कुछ DSP बनेगी 1.5 मीटर चौड़ाई में 6 इंच मीटर। लक्ष्मीगढ़ जालो का गोविंदगढ़ की 10 किलोमीटर लंबाई की सीट है, 60 से 70। जो पट्टियों पे खम्भे आए हुए हैं उनको अब तक क्यों नहीं हटाया गया? इन खम्भों को हटाने के लिए बिजली बोर्ड से 4 महीने से संपर्क में उनको राइटिंग दे दिया, अगर बिल्ली दे दिया अभी तक उनको इस्टीमेट नहीं मिले। इस्टीमेट आप पे उनके पैसे जमा करा देंगे और उनको सिस्टम पा रहे हो। उनसे आपने एक बार मिलने कई बार वर्बल्ली और चिट्ठी लिखी है। डम्बर की चौड़ाई 7 मीटर डबल लेन बनाने का वो स्कोप है। इसमें आधे गेट में काम चल रहा है, आधे गेट चौथे के लिए डाइवर्जन करने से।